हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही इजी तरीका जिसके थ्रू आप 2 सेकंड में किसी भी लोन का इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या फिर जो ईएमआई होता है वो आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईएमआई होता क्या है। व्हाट इज एन ईएमआई? ईएमआई एक बेसिकली इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है जो कि एक फिक्स पेमेंट होता है जो कोई भी बोरोअर पे करता है लेंडर को फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अगर आपका कोई लोन आपने लिया है, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो उस लोन का एक परसेंटेज रहता है, राइट? जिस परसेंटेज के साथ आप उस लोन को पे करते हो। अब ऐसा सिस्टम नहीं होता कि 1 साल बाद आप पूरा 1 लाख के साथ जो भी परसेंटेज है आपका इंटरेस्ट पर्सन के साथ आप लोन वापस करो, ऐसा नहीं होता। वो 1 लाख का जो पेमेंट होता है वो डिवाइड किया जाता है, जहाँ पे हर एक पेमेंट का एक इंटरेस्ट पार्ट होता है और एक प्रिंसिपल पार्ट होता है जो कि आप मंथली या फिर किसी भी पीरियड के बेसिस पे आप देते हो और उस पूरा लोन को एक इंटरेस्ट के साथ आपके लेंडर को पे बैक करते हैं। तो ये जो आपका इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है वो ही ईएमआई होता है। और उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो जनरल बेसिस में मैनुअली 2 एक तरीका होता है जिसके साथ ईएमआई को कैलकुलेट किया जाता है। पहला तरीका होता है द फ्लैट रेट मेथड। इस फ्लैट रेट मेथड में क्या होता है कि जो आपका टोटल लोन है, प्रिंसिपल लोन जो कि आपका अमाउंट है, वो आपका इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट किया जाता है और इंटरेस्ट के साथ जो भी पैसा आप वापस देने वाले हो उस टोटल अमाउंट को डिवाइड किया जाता है कि कितना टाइम ऑफ पीरियड्स में आप देने वाले हो। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और उसका लेट्स से 10% आपको देना पड़ेगा, जो कि 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए। तो आपको टोटल कितना देना पड़ रहा है? 1,10,000 रुपए। लेट्स से आप 1,10,000 रुपए आप 10 महीने में वापस करने वाले हो, तो उसको बस सिंपली आप 10 मंथ्स के साथ डिवाइड कर दो, तो मंथली बेसिस पे आपको कितना पे करना है, जो कि 11,000 हो रहा है, तो मंथली बेसिस में आपको कितना पे करना है, 11,000, वही उसका ईएमआई हो जाएगा। ये फ्लैट रेट मेथड बता। लेकिन जनरल बेसिस में फ्लैट रेट मेथड का यूज नहीं होता है, क्योंकि फ्लैट रेट मेथड में कंपाउंडिंग का काम नहीं हो रहा है। वहां पे सिंपल तरीके से रेट का एक टोटल निकाला जा रहा है और सिंपल तरीके से उसका एक ईएमआई का निकाला जा रहा है। जनरल बेसिस में क्या होता है, जब आप ईएमआई पे करते हो तो ओवर द टाइम क्या होता है, जितना प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है, जितना आपका बैलेंस है, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, उसमें से लेट्स से आपने 10,000 आज एज एन ईएमआई वापस किया, तो 90,000 बचा है, तो उस 90,000 में वापस इंटरेस्ट लगता है, ना कि 1 लाख पे इंटरेस्ट लगता है। फ्लैट रेट मेथड में आपके लिए थोड़ा ज्यादा वो लॉस हो जाता है क्योंकि टोटल बेसिस में आपका लग रहा है। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जितना बैलेंस बच रहा है हर महीने के बाद आप जब कोई इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, उसमें से बचे हुए अमाउंट में वापस इंटरेस्ट लगता है जो कि आप अगले महीने, और इसी तरीके से इसका कैलकुलेशन होते रहता है। तो मैनुअल बेसिस में जनरली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का यूज किया जाता है, क्योंकि टेक्निकली वही ज्यादा बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है और वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है जो कि बोरो करता है उसके लिए, क्योंकि जो बैलेंस का अमाउंट बचा हुआ है उस पे इंटरेस्ट लगता है। तो जनरल जो फॉर्मूला होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है। अब ये देख सकते हैं कि फॉर्मूला कितना ज्यादा क्रिटिकल है। इट्स पी इंटू आर इंटू 1 + r^n डिवाइडेड बाई 1 + r^n-1। तो P होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट, फिर R होता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड। अब पर पीरियड मतलब कुछ भी हो सकता है, ये क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप लोन पे कर रहे हो तो क्वार्टरली बेसिस पे वो रेट हो सकता है, जनरली ईयरली रेट आपको बता दिया जाता है, तो उसको डिवाइड किया जाता है ताकि आप पर पीरियड का रेट निकाल पाओ। लेट्स से आपका 12% का टोटल रेट है पर एनम, तो आपका जो ईएमआई का रेट होगा वो पर पीरियड होगा, और लेट्स से अगर आप मंथली बेसिस में दे रहे हो तो 12/12 दैट इज इक्वल्स टू 1% आपका मंथली बेसिस में आपको देना पड़ता है। और एन जो है वो है नंबर ऑफ पीरियड्स है, वो पीरियड्स कुछ भी हो सकता है, अगर डिपेंड करता है कि किस पीरियड किस इंटरवल में आप अपना पेमेंट्स कर रहे हैं। आई गेस आपको इतना तक समझ में आ गया। नाउ अब मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाने वाला हूं जो कि मैं आपको स्प्रेडशीट में सिखाने वाला हूं, जिसमें आप किसी भी तरीके का लोन का जो भी ईएमआई है उसको ऐसे चुटकी में निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए एक स्प्रेडशीट में जाते हैं और स्प्रेडशीट में इस चीज को सीखते हैं। आप ये एक्सेल में भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं फॉर माई ओन कम्फर्टेबिलिटी बेसिस मैं स्प्रेडशीट में दिखा रहा हूँ, बट दिस पर्टिकुलर फंक्शन जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो किसी भी चीज में काम आ सकता है। सो लेट अस गो टू द स्प्रेडशीट। ओके, सो हियर वी आर इन द स्प्रेडशीट। यहाँ पे जनरल बेसिस में हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या चीज हमारा एक लोन में इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले लोन का अमाउंट इंपॉर्टेंट होता है कि कितना आप लोन ले रहे हो, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रेट कितना है उस लोन का, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, और तीसरा चीज जो आपको पता होता है कि कितना मैच्योरिटी पीरियड है, मतलब कितना टाइम में आप उस लोन को वापस करने वाले। तो लेट्स से कोई भी एक अमाउंट ले लेते हैं, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, ओके, आपका लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है,
12% को अगर लिखना है तो आप सिंपली 0.12 लिखिए और जो परसेंटेज फॉर्मेट होता है उसको क्लिक करेंगे तो अपने आप स्प्रेडशीट है या एक्सेल है वो 12% लिख देता है। और टाइम लेट्स से 3 years का है, ठीक है, लेट्स से 3 years का टाइम है, 3 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट वी रिक्वायर फॉर एनी लोन, राइट। इसको बोल्ड कर देते हैं, दीज आर द पैरामीटर दैट वी रिक्वायर फॉर एनी लोन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जो निकालना है द मेन मेथड दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज टू फाइंड आउट द ईएमआई और द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर लोन। तो उसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फंक्शन है, वो फंक्शन कुछ ऐसा है कि आप सिंपली इक्वल्स टू लिखिए, इक्वल्स टू लिखने के बाद आप पीएमटी लिखिए, देखिए जस्ट राइट डाउन पीएमटी और आप देख सकते हैं कि एक सजेशन आ गया है क्योंकि ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन स्प्रेडशीट में प्रेजेंट रहता है पीएमटी के नाम पे, जिसको पीरियोडिक पेमेंट फॉर एनी एन्युइटी इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। नॉट गोइंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट एन एन्युइटी इज, बट इसी फंक्शन के साथ आप कर सकते हो। एन्युइटी मतलब कोई भी ऐसा पेमेंट जो फाइनेंशियल टर्म में आप इक्वल बेसिस में करते हो, उसी को एन्युइटी बोला जाता है। तो पीएमटी करके आप ब्रैकेट लिखिए, ब्रैकेट लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे रेट दिया हुआ है तो रेट को आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद कॉमा दीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये रेट होना है, ये रेट ऑन द बेसिस ऑफ कितना पीरियड्स में आप दे रहे हैं उसके बेसिस में होना चाहिए। अब ये जो रेट मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये ईयरली बेसिस पे लिखा हूँ। लेट्स से आप ये 1 लाख का जो लोन है आप 3 साल तक वापस करने वाले हो और 3 साल तक जो आप वापस करने वाले हो तो मंथली बेसिस में करने वाले हो, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, ठीक है। और ये जो डिवाइड करेंगे हम लोग 12 के साथ, ये बेसिकली होगा आपका ओरिजिनल रेट जो आप पे करने वाले, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, आप कॉमा लिखने के बाद आप लिखेंगे कि कितना पीरियड्स में उसको पे करने वाले। अब क्योंकि ये 3 years का टाइम है, 3 years ऑफ टाइम अगर आप मंथली बेसिस में कर रहे हो तो इट्स 3 into 12 दैट इज 36। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 into 12, ठीक है। फिर आप ब्रैकेट क्लोज करके वापस दूसरा कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद आप सिंपली अमाउंट को क्लिक कर दो। अमाउंट को अगर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अगर आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाओगे तो आपका जो वैल्यू हो रहा है 3321.43, यहाँ पे एक डिफॉल्ट करेंसी है। सो वी डोंट केयर अबाउट द करेंसी हियर, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द ईएमआई और द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। डायरेक्टली एक क्लिक में आपका जो 3321.43 है ये देखिए माइनस में आया, मतलब ये पैसा आपको देना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो इसी बेसिस में आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप वापस इस फॉर्मूला को देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो रेट है ये रेट मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए आप ऑरेंज देख सकते हो और यहाँ पे भी G8 जो है वो सेल नंबर है जो कि ऑरेंज में दिया हुआ है, ठीक है। तो G8 डिवाइडेड बाई 12 इसलिए किया क्योंकि 12% जो दिया हुआ है वो एनम का रेट है। मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ एक मंथली पीरियड के बेसिस में, क्योंकि यहाँ पे मंथली बेसिस में हो रहा है, ठीक है। अगर ये क्वार्टरली होता तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 12 नहीं करते, डिवाइडेड बाई 4 कर देते इसी तरीके से। तो 3 years मतलब 3 into 12 दैट इज 36, ठीक है। कॉमा G7, तो यहाँ पे कॉमा प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि ये फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले रेट पर पीरियड कॉमा टाइम जो कि टोटल टाइम है नंबर ऑफ पीरियड्स दैट इज 36 ओवर हियर कॉमा द अमाउंट जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करके जस्ट सिंपली अगर आप एंटर दबाएंगे तो आपका वैल्यू आ जा रहा है जो कि ईएमआई। अब यहाँ पे आप कुछ भी अमाउंट रख सकते हो, लेट्स से मैं यहाँ पे रखा 20 lakhs, ठीक है। तो ये अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल में आपको वापस करना है, ऑब्वियस सी बात है आपका इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगा क्योंकि आपका अमाउंट ज्यादा है। तो इफ यू जस्ट प्रेस एंटर ये यहाँ पे भी वैल्यू पटाक से चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे 66,000 हो जा रहा है जो कि 1 lakh से अगर आप 20 lakhs में करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल तरीके से अगर रेट भी इंक्रीज होता है तो उस तरीके से भी ईएमआई जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स से मैं 12% के जगह यहाँ पे 20% लिख रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल है, बट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप करेंगे तो देख सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है और ज्यादा इंक्रीज होगा। हर बार यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा जा रहा है बिकॉज दिस इज एन अमाउंट दैट्स गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट, ठीक है। और टाइम भी जनरली बढ़ता है तो आपका अमाउंट बढ़ जाता है, कि अगर यहाँ पे अगर मैं 6 लिख दूं तो भी देख सकते हो कि आपका अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो कि इंस्टॉलमेंट्स होता है, अब यहाँ पे 6 लिखने से इसीलिए चेंज नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो ये है ये मैं 3 लिख दिया हूँ बाय डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे 3 नहीं लिख के अगर मैं इस सेल को क्लिक करूँ तो उस बेसिस में चेंज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करके चेक करूँगा तो आप देख सकते हो कि 6 into 12 हो जा रहा है दैट इज 72 times। तो आपका जो इक्वल मतलब कि मंथली बेसिस में जितना है, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा बढ़ गया इसलिए आपका मंथली बेसिस पे कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है टाइम अगर बढ़ गया तो मंथली बेसिस में तो आपका इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे टाइम घट गया, लेट्स से आपका टाइम
यहाँ पे 2 हो गया, तो ऑब्वियसली बात है देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आपको कम टाइम में वो अमाउंट पूरा देना पड़ेगा। इसी तरीके से ये कैलकुलेशन होता है। आई गेस आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन मैंने किया, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और अगर आपको ऐसे फाइनेंशियल वीडियोस और भी चाहिए तो आप टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड और फाइनेंशियल वीडियोस आने वाले टाइम में बनाने वाला। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।